नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा थोरिया। देश में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रविवार को भी देश में कोरोना के 3,33,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं और 525 लोगों की मौत हुई है। वहीं कोरोना के सबसे तेजी से फैलने वाले वेरियंट ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़ रहे हैं। देश में अभी ओमिक्रॉन वेरियंट के 10,050 मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच इंडियन सार्स कोव 2 जीनोमिंग कंसोर्टियम ने अपने ताज़ा बुलेटिन में कहा कि भारत में ओमिक्रॉन अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्टेज में है और कई महानगरों में प्रभावी हो गया है। कोविड-19 के जीनोम अनुक्रमण का विश्लेषण करने के लिए सरकार की तरफ से गठित समूह इंडियन सार्स कोव 2 जीनोमिक कंसोर्टियम ने यह भी कहा कि देश में ओमिक्रॉन के संक्रामक उपस्वरूप BA.2 की कुछ हिस्सों में मौजूदगी मिली है। समूह ने अपने बुलेटिन में कहा कि अब तक सामने आए ओमिक्रॉन के ज्यादातर मामलों में या तो मरीज में संक्रमण के लक्षण दिखाई नहीं दिए या फिर हल्के लक्षण नजर आए हैं। अस्पताल और ICU में भर्ती होने के मामले मौजूदा लहर में बढ़ गए हैं और खतरे के स्तर में परिवर्तन नहीं हुआ है। इंडियन सार्स कोव 2 जीनोम कंसोर्टियम ने यह भी कहा कि ओमिक्रॉन अब भारत में सामुदायिक प्रसार के स्तर पर है और ये उन विभिन्न महानगरों में हावी हो गया है जहाँ नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया कि भारत में ओमिक्रॉन का प्रसार अब विदेशी यात्रियों के माध्यम से नहीं बल्कि देश के अंदर ही होने की आशंका है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।